नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 15 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना के रोकथाम के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। उपेंद्र कुशवाहा को जदयू ने दी बड़ी जिम्मेदारी। बिहार के हॉकी खिलाड़ी का राष्ट्रीय स्तर पर हुआ चयन। संजय जायसवाल ने किसानों को बनिया बन जाने की दी नसीहत। अब खबरें विस्तार से। इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री लिमिटेड आईटीआई लिमिटेड रायबरेली यूपी ने निकाली रिक्तियां। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईटीआई रायबरेली यूपी ने डिप्लोमा इंजीनियर के कुल मिलाकर 40 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 60% अंकों के साथ मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.itiltd.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। बिहार में कोरोना के रोकथाम के लिए विशेष अभियान की हुई शुरुआत। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में एहतियाती कदम उठाने की पहल शुरू कर दी गई है, जिसके तहत ही अब बिहार में कोरोना के रोकथाम के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग और सिविल सर्जन की टीम की निगाह ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर टिक गई है। इतना ही नहीं, प्रधान सचिव के निर्देश पर पटना जिले में उपरोक्त राज्य से आने वाले लोगों की कोरोना जांच होगी, जिसके बाद मुंबई, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब से आए लोगों की जांच की जाएगी। में आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका की भी मदद ली जाएगी। पटना के सैकड़ों वार्ड में नहीं होगा पंचायत चुनाव। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। हालांकि अब तक पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, मगर तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में अब पटना जिले की 18 पंचायतों को चिन्हित किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 207 वार्ड ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्र में शामिल नहीं हो पाए हैं। इसलिए इन वार्डों में पंचायत चुनाव का आयोजन नहीं करवाया जाएगा। इस संबंध में पंचायत राज विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देश के आलोक में जिला प्रशासन पंचायत चुनाव की तैयारी में भी जुट गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पटना जिले में कुल 4354 वार्ड है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी की। रामवृक्ष बेनीपुरी एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवा नेता, संपादक और हिंदी लेखक थे। उनका जन्म भारतीय राज्य बिहार में एक ब्राह्मण परिवार में बेनीपुर नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में 9 साल जेल में उन्होंने बिताए थे। वे 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने 1937 के भारतीय प्रांतीय चुनाव के दौरान 1935 में और 1937 तक पटना जिला कांग्रेस कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में भी काम किया है। उन्हें 1957 में कटरा उत्तर से विधानसभा भारत का सदस्य भी चुना गया था। बिहार के हॉकी खिलाड़ी का राष्ट्रीय स्तर पर हुआ चयन। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं और इसका प्रमाण आए दिन बिहारवासी देते रहते हैं। इसी क्रम में अब बिहार के एक हॉकी प्लेयर ने अपना परचम लहराया है, जिसके तहत हरियाणा के जिंद में हॉकी इंडिया की तरफ से आयोजित 11वीं सब जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के लिए बिहार टीम में खगड़िया के प्रशांत कुमार का चयन हो गया है। दानापुर के आर्मी ग्राउंड पर 8-9 मार्च को चयन प्रतियोगिता हॉकी संघ बिहार की तरफ से आयोजित किया गया था, जिस पर प्रशांत कुमार का चयन हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 11वीं सब जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 17 मार्च से शुरू होने वाली है, जो कि 25 मार्च तक जारी रहेगी। वहीं प्रशांत के चयन को लेकर के हॉकी खगड़िया के सचिव विकास ने बताया है कि प्रशांत का फॉरवर्ड पोजिशन के लिए टीम में चयन किया गया है। वो प्रतिभावान खिलाड़ी है। 8 साल बाद फिर से नीतीश के साथ आए उपेंद्र कुशवाहा। जदयू के साथ कदम से कदम मिलाकर पहले भी चल चुके रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का साथ छूट गया था, मगर एक बार फिर से बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पुरानी पार्टी का दामन थाम लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की मौजूदगी में जदयू दफ्तर के कर्पूरी सभागार में पार्टी में विलय का ऐलान किया है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि वो एक बार फिर से अपने पुराने मित्र के साथ आ गए हैं, जिसके बाद कुशवाहा की रालोसपा का अस्तित्व खत्म हुआ। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू से अलग होकर ही रालोसपा का गठन किया था। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने निकाली रिक्तियां। बिहार सरकार अब बिहार की लचर हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी में जुट गई है, जिसके तहत विभाग ने अब विशेष अभियान चलाकर स्वास्थ्य विभाग के सभी खाली पदों पर बहाली करने का फैसला लिया है, जिसके तहत 3260 आयुष चिकित्सकों की बहाली को लेकर प्रस्ताव जारी किया गया है। इतना ही नहीं, चिकित्सा शिक्षा के लिए बिहार यूनिवर्सिटीज ऑफ हेल्थ साइंसेज की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 13264.86 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है।
ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पैनल की क्षमता में की गई बढ़ोतरी। सोलर ऊर्जा के उपभोक्ताओं के लिए अहम सूचना। बिजली वितरण कंपनी द्वारा अब 20 मेगावाट क्षमता के साथ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पैनल उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि सोलर ऊर्जा के उपभोक्ताओं की संख्या में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिजली वितरण कंपनी ने इसको लेकर निविदा जारी कर दी है। अब तक 5 मेगावाट क्षमता को केंद्र में रखकर ग्रिड कनेक्शन रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा रहे थे। जल जीवन हरियाली अभियान के एक अवयव के तहत सूबे में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। यह योजना पहले आओ पहले पाओ सिस्टम में थी। इस योजना के माध्यम से निजी भवनों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं, जिसके तहत राज्य सरकार 25% का अनुदान भी देती है। बिहार में अपराधियों की अब खैर नहीं। बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए बिहार सरकार लगातार कोशिश कर रही है। बढ़ते अपराध को लेकर बिहार सरकार कई बार घिरती भी नजर आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब सब कुछ को सुचारू और सही तरीके से करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत बिहार पुलिस का चक्र अब अपराध नियंत्रण में मदद करने वाला है। आपको बता दें, यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जहां एक क्लिक पर अपराधियों की पूरी कुंडली आसानी से मिल जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है और सभी जिलों को इस एप्लीकेशन पर डेटा फीड करने का काम सौंप दिया है। इतना ही नहीं, को लेकर मुख्यालय की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद इस पर तेजी से काम जारी है। यह एप्लीकेशन सिर्फ पुलिस विभाग के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होगा। आरा सासाराम रेलखंड पर दौड़ेगी पैसेंजर ट्रेनें। कोविड 19 के कारण रेल व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। हालांकि अब समय के साथ दोबारा से सभी रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन करवाया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिन आरा सासाराम रेलखंड पर लगभग एक साल के बाद बंद पड़ी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू करवाए जाने का फैसला लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सोमवार से यह ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। आरा से सासाराम के बीच 2 जोड़ी मेमू ट्रेनें चलाई जाएंगी, लेकिन इस रेलखंड के दर्जन भर हॉल्ट और स्टेशन पर सवारी गाड़ियों का ठहराव नहीं होगा। इनसे इन और स्टेशन से जुड़े लोगों में नाराजगी है। हालांकि स्टेशन पर ट्रेन पुलिंग रोकना रेलवे के लिए बड़ी चुनौती होगी। चुनाव के पहले सरकार के मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि को करनी होगी अब मदद। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर अब एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत प्रदेश के मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि त्रिस्तरीय चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग की मदद करने वाले हैं। मुखिया प्रतिनिधि 8,000 से अधिक पंचायतों में रहने वाले 60 से अधिक और 45 से 59 साल के बीमार लोगों की पहचान करने वाले और लिखित रूप में इसका पूरा विवरण स्वास्थ्य विभाग को सौंपने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में कोविड 19 का टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की मदद लेने का फैसला लिया है। बीते सप्ताह ही स्वास्थ्य विभाग ने इस पर सहमति बनाई थी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में हुई अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। बिहार के हाथी काका की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। पटना से सटे दानापुर के जानीपुर इलाके में रहने वाले अख्तर इमाम की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, जिन्हें लोग हाथी काका के नाम से भी पुकारते हैं। अख्तर को हाथी काका कहने के पीछे की कहानी जितनी भावुक है उतनी ही दिलचस्प भी है। जिन्हें अपने 2 हाथियों पर ज्यादा यकीन था, उन्होंने अपने बेटे को अपनी जमीन जायदाद और संपत्ति से बेदखल कर दिया और फिर सारी संपत्ति 2 हाथियों के नाम पर कर दी थी। बेटे को संपत्ति से बेदखल किए 9 महीने हो गए हैं, लेकिन आज अख्तर अपने आप को कभी भी अकेला और बेसहारा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें बेटे से ज्यादा अपने हाथियों पर यकीन है। इनके पशु प्रेम को देखकर ही अब इलाके के लोग इन्हें हाथी काका के नाम से पुकारते हैं। सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि बैंक बैलेंस भी हाथियों के नाम पर दर्ज कर दी गई है। कोरोना टीका लेने पर अब नहीं भरना होगा सहमति पत्र। कोरोना वैक्सीन का टीका लेने पर अब सहमति पत्र भरने की कोई जरूरत नहीं होगी। महानगरों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब टीकाकरण बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत ही नियमों में अब ढील दी जा रही है। स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर समेत बुजुर्ग और बीमार लोगों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में अब कोवैक्सीन का टीका लगवाने से पहले फॉर्म भरे जाने की बंदिश से लोगों को मुक्ति दे दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सहमति पत्र में ट्रांसफर संबंधित जानकारी नहीं दी जाती थी। अधिकारियों के अनुसार ट्रायल बेसिस पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। 87 साल के बाद मिथिला कोसी क्षेत्र के बीच शुरू हुआ ट्रेन सेवा। मिथिला से दरभंगा, मधुबनी से सुपौल, सहरसा के बीच 87 साल के बाद एक बार फिर से ट्रेन की सीटी सुनने को मिली। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक LC त्रिवेदी और मंडल रेल प्रबंधक अशोक महेश्वरी की अगुवाई में GM स्पेशल ट्रेन अधिकारियों के साथ सहरसा से दरभंगा के बीच रवाना हुई। रेलखंड के स्पीड ट्रायल GM और DRM ने किया। आपको बता दें, 15 जनवरी 1934 के भूकंप में दरभंगा और सहरसा सुपौल के बीच जो रेल सेवा टूटी वो एक बार फिर से बीते दिन से शुरू हो गई है। सीनियर महिला क्रिकेट में 64 रनों से जीती बिहार टीम। बिहार की महिला खिलाड़ियों ने एक बार फिर से अपने नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज कर ली है। BCCI की तरफ से आयोजित सीनियर महिला एवं एक दिवसीय ट्रॉफी के दूसरे मैच में बिहार टीम ने अरुणाचल प्रदेश को 64 रनों से करारी हार दी है। बैंगलोर के
क्रिकेट स्टेडियम में बिहार के कप्तान रचना कुमारी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 41.4 ओवर में 129 रन पर बिहार की टीम ऑल आउट हुई थी, जबकि जवाब में खेलने उतरी अरुणाचल प्रदेश के बल्लेबाज बिहार की घातक गेंदबाजी को खेलने में नाकाम रही। 50 ओवर खेलने के बावजूद अरुणाचल की टीम 1.30 के रन रेट से मात्र 65 रन ही बना सकी। रालोसपा के जदयू में शामिल होते ही शुरू हुई बयानबाजी। बीते दिन बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जिसके तहत पहले दोस्त फिर दुश्मन और फिर दोस्त बनने वाली पार्टी रालोसपा और जदयू का विलय हो गया, जिसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिसके तहत राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जदयू से अलग होकर नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन किया था, लेकिन अपनी राजनीतिक वजूद समाप्त होते ही अब वो गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे हैं। पहले नीतीश कुमार की नीति बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर उपेंद्र कुशवाहा लगातार आवाज उठा रहे थे, आज खुद ही नीतीश कुमार की नीतियों पर चलने को विवश हो गए हैं। संजय जायसवाल ने किसानों को बनिया बनने की दी नसीहत। बीते दिन पश्चिम चंपारण जिला में आयोजित 2 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन करने बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, पर्यटन मंत्री नारायण साह और बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पहुंचे थे। वहीं इस मेले का उद्घाटन करते हुए बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि किसानों को आज के समय में बनिया बनने की जरूरत है। जिस तरह से बनिया जिस सामान को बेचने में ज्यादा मुनाफा देख रहे होते हैं, सामान वही मंगवाते हैं, उसी तरह किसान भी जिस फसल का मूल्य ज्यादा मिलता है, जहां ज्यादा पैसे में बिकता है, वहां बेचे और वही फसल भी लगाए। पश्चिम चंपारण की धरती काफी उपजाऊ है। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार की तरफ से 3 लाख करोड़ रुपए कृषि की तरफ से अलग से देने की बात कही है। मुकेश सैनी के राज्यपाल से मिलने पर शुरू हुई चर्चा। बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सैनी बीते दिन अपनी पार्टी के विधायक दल के साथ बैठक का आयोजन कर रहे थे, जिसके बाद वो अपने चारों विधायकों के साथ राज्यपाल के पास मिलने पहुंचे। अचानक उनके इस कार्यक्रम से अटकलों के बाजार फिर से शुरू हो गए हैं कि मुकेश सैनी किन कारणों की वजह से राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। हालांकि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुझे इस्तीफा देना होगा तो मैं सोचूंगा, नहीं तुरंत निर्णय लूंगा। फिलहाल बिहार सरकार से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, निषाद समाज के साथ कुछ गलत हुआ तो इस्तीफा देने में देर नहीं लगाऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए वो खुद संघर्ष अपना जारी रखेंगे। मिलन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी का उठाया मुद्दा। रविवार का दिन राजनीतिक घटनाक्रम के लिहाज से बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जो है लंबे समय के बाद ही सही मगर भरत मिलाप हो गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस दौरान अपना बयान जारी किया। और सबसे खास बात यह रही कि इस दौरान उन्होंने गठबंधन की बात तो की ही, साथ ही बिहार में लागू शराबबंदी का भी जिक्र किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम गुस्साते नहीं, सदन में जब कुछ सदस्य बीच में टोका टोकी करते हैं हम समझाने की कोशिश करते हैं, हमने शराबबंदी की तो लोग विरोध करते हैं, कहते हैं कि हर जगह शराब की सप्लाई हो रही है, अगर उन्हें जानकारी है तो सूचना दे। उपेंद्र कुशवाहा को जदयू ने दी बड़ी जिम्मेदारी। बीते दिन जदयू के लिए बेहद ही खास रहा, जब उनके पुराने साथी ने एक बार फिर से उनका हाथ थामा। वहीं इस दौरान जदयू ने भी बड़े भाई की भूमिका निभाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ा ऐलान किया, जिसके तहत नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि उपेंद्र कुशवाहा अब से पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने मिलन समारोह के दौरान ही यह ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो बड़ा फैसला किया है इसके लिए उन्होंने अपनी कोई इच्छा नहीं जताई थी, लेकिन इसके बावजूद हम उनके बारे में सोचेंगे। हमारी जवाबदेही बनती है कि उपेंद्र कुशवाहा के कद को देखते हुए उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुगल बादशाह अकबर ने 1564 में जजिया कर हटाया था। जेल सुधार एवं मानव अधिकार की रक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2008 में देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी का जर्मन सम्मान एनिमेरी मेडिसिन के लिए आज ही के दिन चुना गया था। इटली के पेसेलियो में 2008 में महात्मा गांधी की प्रतिमा आज ही के दिन स्थापित की गई थी। 1901 में भारत के महान कुश्ती प्रशिक्षक कोच और पहलवान गुरु हनुमान का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1943 में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा का जन्म हुआ था। 2009 में भारत की प्रथम महिला विमान चालक सरला ठकराल का उन्होंने आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। 2022 के आईपीएल सीजन के लिए बीसीसीआई का अहम फैसला। पिछले साल के साथ ही इस साल भी आईपीएल के आयोजकों को कोविड-19 के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीसीसीआई आईपीएल को लेकर 2 साल से कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रही है, लेकिन अब बीसीसीआई ने आईपीएल के विस्तार को लेकर अहम जानकारी साझा की है, जिसके तहत बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले अगले साल यानी कि 2022 के सीजन के लिए वो आईपीएल के 2 और नई टीमों का नाम घोषित करने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अगले साल आईपीएल में 10 टीम हिस्सा लेंगी। बीसीसीआई ने कहा है कि 14वें सीजन के अंतिम चरण के दौरान मई के महीने में 2 नई टीम की नीलामी करने का फैसला लिया गया है, जिसको लेकर हाल ही में मीटिंग का आयोजन भी करवाया गया था।
जोमैटो के डिलीवरी बॉय के सपोर्ट में आई परिणीति चोपड़ा। इन दिनों जोमैटो के डिलीवरी बॉय को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। बैंगलुरु की कंटेंट क्रिएटर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार हुए डिलीवरी बॉय कामराज को लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का सपोर्ट सामने आने लगा है। इसी क्रम में परिणीति चोपड़ा ने जोमैटो से रिक्वेस्ट करते हुए कहा है कि सच्चाई का पता लगाए और उसे पब्लिकली सबके साथ शेयर करे। अगर वो शख्स निर्दोष है और मुझे लगता है कि वो है तो प्लीज उस महिला को सजा दिलाने में हेल्प करे। यह मानवीय श्रद्धा और दिल को पीड़ा पहुंचाने वाली है। इसको लेकर आप मुझे भी बताएं कि मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकती हूँ। इतना ही नहीं, परिणीति ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी कामराज के लिए आवाज उठाई। उन्होंने लिखा है, सच का पता लगाए। व्हाट्सएप के इस फीचर को जानकर आप हो जाएंगे हैरान। व्हाट्सएप आज हर किसी के स्मार्टफोन का एक अहम हिस्सा बन गया है। कोविड-19 के माहौल में व्हाट्सएप ने एक अहम भूमिका निभाई थी। आजकल हर उम्र के लोग व्हाट्सएप पर काफी समय बिताते हैं। यही कारण है कि व्हाट्सएप भी समय समय पर नए फीचर्स को रोल करते रहता है। इसी क्रम में हम आपको आज ही एक ऐसे फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप किसी भी नए एड्रेस को आसानी से ढूंढ पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप ओपन करें। अब चैट ऑप्शन पर जाएं। जब आप जिसे अपनी लोकेशन भेजना चाहते हैं उसका नाम सेलेक्ट करें और उससे होने वाली अपनी चैट ओपन करें। यहां से व्हाट्सएप चैट के नीचे की ओर प्लस या क्लिप आइकॉन का साइन बना होगा। आप यहां पर लोकेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करें। आपको यहां सेंड योर करंट लोकेशन और शेयर लाइव लोकेशन दो ऑप्शन दिखेंगे। अब आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके भेज सकते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 14 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 43,830 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,830 रुपए था। इसके अलावा चांदी की कीमत प्रति किलो 66,900 रुपए दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो पेट्रोल के दाम 93.22 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 86.47 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है श्वेता रॉय, प्रदीप, ब्यूटी वीडियो बॉक्स, मनीष मोहरा, राजू कुमार, प्रेम राज, दिव्यांशु कुमार, राज किशोर कुमार, दिलीप कुमार, मुश टोला, बलिंद्र कुमार, मनीष कुमार, अमन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार रालोसपा का जदयू में विलय होने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।